कैसे हो लोंडो? तो आज हम इस फोटो से कुछ ऐसा बनाने वाले हैं, अभी बहुत इजी स्टेप्स में। स्टार्ट करते हैं। कृपया अपने फ़ोन को वर्टिकली घुमा लें, क्योंकि यार हॉरिजॉन्टली काम नहीं करता है एप्लीकेशन। तो ये आपको मैंने बैकग्राउंड प्रोवाइड कर दिया, और ये बैकग्राउंड को मैंने खुद बनाया, अभी मोबाइल में बनाया हुआ है। तो ऑटोडेस्क ने इसको बनाया हुआ है, मैंने फुल HD में बैकग्राउंड है, 3-4 चीज़ों से मिला कि बैकग्राउंड बनाया हुआ है। कैसे बनाना है, मैंने बोला था 10K कराओ पता लग जाएगा, पर आप कराते ही नहीं हो। तो अब जब बैकग्राउंड डाउनलोड कर लोगे तो इसको ऑटोडेस्क में ओपन करना है और अपने मॉडल को लेकर आना है, और मॉडल अपने जैसे मर्जी फ़ोटो क्लिक करा सकते हो। उसके बाद जो भी आपका पोर्शन रह गया हो ना, कटिंग करके लेकर आना, ऐसे मत लेके आ जाना। तो अगर कोई थोड़ा बहुत पोर्शन रह गया हो तो उसको अच्छे से इरेज कर लेना। जैसे कि मेरा यहाँ पे रह गया थोड़ा सा लादों के पास, मैंने जान के नहीं किया था कि बाद में शायद एडजस्ट हो जाए, बट नहीं हुआ तो मेरे को इरेज ही करना पड़ा। तो वहाँ से मैं इरेज कर लेता हूँ। तो आप देखो बिल्कुल प्रॉपर मेरा बैकग्राउंड पड़ा, और ऐसा मुंह मत बनाना, अच्छा सा मुंह बनाना ताकि अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो आ सके, तो ऐसा मत बनाना। इसलिए मैं इसको इरेज कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। तो बड़े आराम से आपको करना, आपको जल्दीबाजी में नहीं करना है, बिल्कुल आराम से रखना है, सेंटर में रखना है, आपको पता लग जाएगा कहाँ पे। अब मेरी फ़ोटो आपको मैं दे दूँगा, अब पता लग जाएगा आपको कहाँ पे रखना है आपको, ठीक है ना। आइए, आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी मेरी फ़ोटो, तो कैसे मैंने सेट किया आप देख तो रहे ही हो। उसके बाद कोई इम्पोर्ट करना हो और ये ले आना है कुत्ता, पता नहीं यार कुत्ता है कि लोमड़ी है, पर हाँ कुछ है लोमड़ी जैसा कुत्ता है कुछ, तो लोमड़ी कम कुत्ता ज़्यादा ऐसा कुछ है। तो उसको लेकर आना, पैरों के पास रखना है, और कोशिश करना कि आपकी जो पैंट की जेब होती है ना, हाँ जहाँ पर से हाथ डालते हैं, तो वहाँ तक उसकी हाइट आए, ताकि एक अच्छा सा लुक बने, बस कुछ और ज़्यादा नहीं। उसके बाद देखो भाई ये मेरे ऊपर आ रहा है, ये कैसे हुआ? तो इसको नीचे करने के लिए मैं क्या करूँगा, लेयर्स को नीचे ले आऊँगा, तो मेरे नीचे चल जाएगा, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब कि मेरे फ़ोटो के नीचे आ जाएगा, तो बात ख़त्म हो जाएगी यहीं पर। उसके बाद हमने इतना सेट कर लिया, अब बताओ जो मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे देखते हैं, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? चलो छोड़ो मैं बताता हूँ, अभी हम क्या करने वाले हैं कि अपने आप को जो है ना बैकग्राउंड से मैच करने वाले हैं। तो मैंने अपना फेस को इरेज किया है, ज़रूरी नहीं कि अपना फेस इरेज करो, मैं एक मास्क लगाने वाला हूँ फायर वाला, तो अगर वो आपको लगाना तो मर्जी इरेज कर सकते हो। तो अब मैं क्या करूँगा, अपने आप को कलर मैच करने के लिए मैं इसका सैचुरेशन को कम करूँगा थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि मेरा अनसैचुरेटेड जो भी है ना, मेरा जो बैकग्राउंड है अनसैचुरेटेड है, डिसैचुरेटेड है, दैट्स वाई मैं इसको करूँगा हल्का सा कम करूँगा अपने सैचुरेशन को। उसके बाद इसके कलर को मैच करने के लिए मैं SL वाले ऑप्शन में जाऊंगा और इसको हल्का सा स्काई ब्लू की तरफ ले जाऊंगा, उसके बार उसके जो बार होता है मिडटोन को मैं हल्का सा स्काई ब्लू की तरफ ले जाऊंगा, उसे डन कर दूंगा और अपना बैकग्राउंड मैच हो चुका है बिल्कुल आसान तरीक़ों से। तो मैंने बोला था ना आसान तरीका होने वाला है, तो बस यही आसान तरीका होने वाला था, बहुत आसान तरीके से मैच हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है मेरे को, गैस मारते हैं, तो ऐसा करते हैं कि हम अपने जो भी अपना मुंडी है ना, मुंडी पर जो मास्क लगाने वाले थे उसको लेकर आते हैं, तो क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। तो आपको इतना बड़ा रखना नहीं, मतलब इतना बड़ा नहीं रखना है, आपको छोटा करना है, जो कि जितना आपको बड़ा फेस होना आप आपके हिसाब से, जितना आपको बड़ा फेस होगा उतना बड़ा रख लेना। तो उसके हिसाब से आपको जो ऐसा बैंडेज वाला मास्क है उसको वहाँ पे रख लेना है और वहाँ पे डन कर देना है। यहाँ पे मैंने शेडोज़ वगैरह सब बना के रखा हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको बैंडेज भी हो गया सही, अब उसके बाद क्या रह गया है? तो उसके बाद मैं ऐड फोटो में जाऊँगा और ऑब्वियस ही बात है इसके ऊपर आग लगाने वाले थे, तो ये भाई पीछे कैसे चल गया, क्या जल रहा है पीछे? तो उसको आगे लेके आने की तरफ आपको पता है क्या करना है, मैं लेयर वाला सेक्शन खोलूँगा और उसको ऊपर की तरफ ले आऊँगा, इसकी अपने जो मास्क है मास्क के ऊपर रख दूँगा। तो अभी ये क्या होगा कि ये मेरे मास्क के ऊपर आ जाएगा, तो फायर मेरे मास्क के ऊपर लग जाएगी, डन। इतना सा काम कंप्लीट हो गया, बहुत ईजी था। इतना करने के बाद अब इतना कर लिया, अब हल्का सा हमें देखना, अब गौर करना है, हल्का सा टेक्स्ट लिखा होगा छोटा सा, तो उसको इरेज़ कर देना प्लीज़, क्योंकि मुझसे रह गया है तो PNG बनाने में मुझसे गलती होगी थोड़ी सी, तो आप इरेज़ कर लेना। उसके बाद जो झंझट वाला काम है शेडोज़, क्योंकि शेडोज़ क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा मेहनत वाला काम है शेडो क्रिएट करना, तो चलो शेडोज़ क्रिएट करते हैं। तो शेडो क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है एक लेयर लेना पड़ेगा, तो प्लस पे जाऊँगा और एक लेयर ले लूँगा, और सिंपली एक ब्लैक कलर चूज़ करने के बाद, तो ब्लैक कलर हो जा भाई तू, और एक मेरा जो फेवरेट ब्रश है, फेवरेट ब्रश दिखाता हूँ मेरा कहाँ पर गया, लीगेसी में जो दूसरा ब्रश है ना बहुत मस्त है भाई, एक इसका भाई भी है नॉर्मल वाले में, उसको भी दिखाऊंगा बाद में आपको। तो आपको यहाँ पर शेडो क्रिएट करनी है, तो
यू ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो इसका जुगाड़ ऐसा है कि आपको इसको अनडू करना पड़ेगा और आपको लेयर को अपने पैरों के नीचे लेकर आना, क्योंकि शेडो आपको पैरों के नीचे होता है, तो आपको लेयर को भी पैरों के नीचे मतलब मॉडल्स के नीचे लेकर आना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, शेडोज क्रिएट करना मतलब बनाना स्टार्ट कर दूंगा। अगर आपको शेडोज नहीं बनाना था तो मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी हुई है बिल्कुल डिटेल में, तो उसको देख लोगे तो शेडोज बनाना सीख जाओगे कि टच शेडो क्या होती है, एम्बियंट शेडो क्या होती है, इतना ही होता है कुछ, तो कैसा क्या होता है आपको पता लग जाएगा उस वीडियो से। तो मैं जल्दी जल्दी से दिखा देता हूँ वो कैसे क्रिएट करना है, और मैं हल्का सा फास्ट रखूँगा ताकि टाइम ना वेस्ट हो मेरा भी और आपका भी, मेरा तो कहाँ का ही होगा बट आपका होगा, तो थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको जो भी पूँछ वगैरह भी कर देना प्लीज़, जो कि भी पूँछ वो भी एक बार उसके भी शेडो क्रिएट होंगी तो उसके पूँछ के ऊपर भी कर देना। उसके बाद क्या करें आप बताओ, तो उसके बाद क्या किया जाए, तो चलो अपने बॉडी के जो मॉडल्स हैं इनके इसके ऊपर हम इनर शेडो अप्लाई करते हैं ताकि एक अच्छा सा वॉल्यूम आ जाए फोटो में। तो क्या करूँगा मैं अपने आप को जो मेरा मॉडल है उसको मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है। कॉपी करने पर उसको लेयर को मैं लॉक कर दूँगा, आप एक छोटा सा लॉक बना होगा लॉक कर देना। अब उसके बाद क्या करना है, लेयर के कोने में बना होगा जो लेयर का ऑप्शन होता है ना वहाँ पे कोने में बना होगा लॉक का। उसके बाद मैं जूम करूँगा, ब्लैक कलर शेडो ब्लैक होती है हमेशा ही, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक साइड में जिधर से लाइट नहीं आ रही है जिधर से उधर मैं क्या करूँगा शेडोज़ को क्रिएट करना स्टार्ट कर दूँगा। आपको मैं दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर कितना फ़र्क पड़ता है शेडो क्रिएट करने से, और सेम चीज़ मैं यही अपने कुत्ते के साथ लोमबड़ी के साथ करूँगा जो भी है ये, तो इसके साथ भी मैं सेम वही करूँगा। क्या करूँगा इसको मैं कॉपी करूँगा एक बार स्टेप फिर से मैं बोल देता हूँ, क्या करना आपको अपने लेयर को कॉपी करना है और उसको लॉक कर देना है। जैसे देखो यहाँ पे आँख है ना, आँख के बिल्कुल नीचे देखो होगा एक लॉक, उसको लॉक किया मैंने, ट्रांसपेरेंसी लॉक हो गई। अब मैं क्या करूँगा इसको जो एक साइड में इसको शेडो उसको क्रिएट करना स्टार्ट कर दूँगा, और ये डन हो गया। तो शेडो क्रिएट करने के बाद एक वॉल्यूम आ जाएगी और माइनर सी डिटेल होती है बट भाई देखने में मतलब जो एक व्यूवर होता है उसकी आंखों में एक वाव फैक्टर आता है। मैंने पहले भी बता चुका हूँ बहुत चीज़ें, मतलब वाव फैक्टर के ऊपर मैं बहुत चीज़ें बता चुका हूँ, तो ये उनमें से ही एक है। उसके बाद मैं जैसे कि आप देख रहे हो कि पीछे कुछ ज़्यादा ही है ना, ऐसे बिजली तर 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 बिजली आ रही है भाई, लाइटनिंग बहुत हो रही है, थौर आने वाला है, तो उसकी लाइट नहीं है हमारे ऊपर कहीं पड़ रही है, तो उस लाइट को कैसे क्रिएट किया जाए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास थोड़ा वो है क्या बोलते हैं उसको पॉइंट है कि कैसे क्रिएट किया जाए। चलो तो क्या करेंगे हम अपने जो मॉडल है, मॉडल के नीचे वाला जो मॉडल है, नीचे वाला मॉडल, तो नीचे वाले मॉडल को मैं सिलेक्ट करूँगा, जैसे कि यहाँ से लेयर में जिसको सिलेक्ट करूँगा, और उसके भी ट्रांसपेरेंसी को मैं लॉक करूँगा, इसको नहीं छेड़ना, इसमें तो मैंने शेडो बनाई हुई है, ये अच्छी वाली है, जो नीचे जो रो वाली थी उसको मैं अब ऊपर लेके जाऊँगा और उसकी ट्रांसपेरेंसी को मैं लॉक्ड कर दूँगा, लॉक कर दूँगा वही। अब इसके अंदर मैं ब्लैक कलर को फिल करूँगा, ब्लैक कलर क्यों फिल करना है, क्या कर रहा हूँ मैं आपको नहीं समझ आ रहा है, तो इसके ऊपर मैंने एक रिम लाइट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको प्लीज़ एक बार वॉच आउट कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, और उसके अंदर आपको बहुत ही न्यू पॉइंट्स पता लगेंगे अबाउट रिम लाइट, तो जरूर से देख लेना, मज़े आएंगे भाई। तो मैं क्या करूँगा इसके ब्लेंड मोड को मैं ऐड भी रख सकता हूँ, स्क्रीन भी रख सकता हूँ, तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए मल्टीप्लाई नहीं, बिल्कुल नहीं मल्टीप्लाई रखूँगा भाई, ऐड पे रखते हैं, तो लीनियर डॉज कह लो या ऐड कर लो जो मर्जी कह लो, बात वही होती है। उसको मैंने कर लिया, अब मैं जूम करूँगा, वाइट कलर को सिलेक्ट करूँगा और अपने वाइट कलर हो जाए भाई, वाइट कलर, तो वाइट कलर करते हैं पहले, ये वो भाई ऊपर चला, हाँ वाइट कलर हो गया। अब यहाँ पे मैं लाइट को ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगा, तो देना एक वाइट कलर की लाइट हमारे कंधों पर ड्रॉ होनी स्टार्ट हो जाएगी, इसे ही बोलते हैं रिम लाइट कैसे क्रिएट करना या हाईलाइट क्रिएट करना। सो बहुत ईजी है, आप वीडियो देख लोगे तो उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, मैं वादा देता हूँ ऐसे यहाँ पे हाथ के ऊपर हाथ रख के, तो करके देख उस वीडियो को देख देख लेना पता लग जाएगा आपको। तो ये लो हमारा रिम लाइट भी क्रिएट हो गया, अब उसके बाद क्या रह गया है, तो चलो मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ कितना फ़र्क पड़ा है रिम लाइट क्रिएट करने से। तो मैं ये देखो आप पहले कैसे था अब कैसा हो गया, सो बहुत फ़र्क पड़ता है, अब ऐसी ओपेसिटी से भी देख लो कि ऐसी लाइट आ रही है हमारे कंधों के ऊपर, तो बहुत फ़र्क पड़ता है, मज़े आते हैं, मतलब एक अच्छी सी लुक आ जाती है एक अपने फ़ोटो में। तो ये लो हमारा वो भी क्रिएट हो गया, अब क्या किया जाए इसमें, हमने लाइट भी क्रिएट कर दिया, शेडो क्रिएट कर दिया। सो मेरे को इस टाइम ऐसा महसूस हुआ कि जो मेरे पैरों के नीचे शेडोज़ हैं थोड़े से फेडेड सी हैं, मतलब कि थोड़ी सी ओपेसिटी कम है इनकी, तो मैं क्या करूँगा एक हल्की सी दोबारा से इसको मैं इसके ऊपर रीड्रॉ कर दूँगा ताकि थोड़ा और हार्ड शेडोज़ हो जाए, हार्ड नहीं बोलूँगा मैं, थोड़ा सा डार्क हो जाए शेडोज़ और वो देखने में अच्छी लगे, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी उजाला है तो
इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, हल्का सा उसको मैं एक बार शेडो दे दूंगा और डार्क हो जाएगी और ज़्यादा अच्छे से डेप्थ आएगी हमारी फोटो में। तो ये लो शेडोज़ भी हमने क्रिएट कर दिया है। सो लगभग हमारा सब कुछ अप टू डेटेड हो चुका है, मतलब शेडोज़ भी क्रिएट कर दिया हमने, सब कुछ हो गया है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, सिंपली आपको हमको लाइट रूम में इसको ओपन करना है सेव करने के बाद। तो इसको सेव कर लेना थ्री डॉट पे जाके, थ्री लाइंस और डॉट्स पे, और उसको लाइट रूम में ओपन करूँगा मैं। लाइट रूम में जैसे मैंने ओपन किया तो आपको दो चीज़ें मिलेंगे, कोई डार्क टोन कलर का प्रीसेट मिलेगा, इसके नाम का डार्क टोन करके प्रीसेट मिलेगा। तो आपको उसको ओपन करना है, इसके नाम है डार्क टोन लाइट रूम प्रीसेट। तो इसको आपको ओपन करना है और इसके थ्री, जैसे आप देख सको पहले कैसा था, अब कैसा हुआ, कैसे डार्क रूम कैसे दिया जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसके थ्री डॉट पे जाऊँगा और ये हमारी नॉर्मल वाली जो हमने अभी भी करके आए हुए हैं, अभी भी हमने एडिट किया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर उसके कलर को पेस्ट करना है ना। तो आपको क्या करना है कि आपको जो प्रीसेट है इसको डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अब उसके बाद इसको ओपन करने में लाइट रूम में थ्री डॉट पे जाना है और उसमें कॉपी सेटिंग्स कर देना है और यहाँ पे मास्किंग वाले को सिलेक्ट कर देना। तो मास्किंग सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से डन कर देना, आपको ध्यान से कर देना मास्किंग को सिलेक्ट। और यहाँ से डन करने के बाद अपने जो फोटो आपकी जो नॉर्मल जो आपने फोटो एडिट की होगी ना उसके ऊपर आना है और जैसे यहाँ पे देखो थ्री डॉट है कोने में, थ्री डॉट पे जाके और यहाँ पे पेस्ट कर देना और एक ही बार में बूम हो जाएगा। और कर जरूरी नहीं कि आपकी फ़ोटो पे वो अच्छा लगे ही लगे, ठीक है ना, हल्का सा आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा मेरे को इसमें चीज़ें करने की ज़रूरत है मेरे को अभी भी, ठीक है ना। तो मैं पीछे आऊँगा, अब इसके लाइट्स वाले सेक्शन में जाके मैं लाइट्स को थोड़ा सा खुद से इसको एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा ताकि ये अच्छा सा लुक बन जाए, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि इतना अच्छा लुक बन रहा है। तो मतलब कि फ़ोटो बाय फ़ोटो ये वेरी करता है, ठीक है ना। तो आपको भी हल्का सा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या कि जो प्रीसेट है वो आपको ओवरऑल टोन क्रिएट करके दे देगा, अब थोड़ा सा टोन आपको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा अपने फ़ोटो के हिसाब से। सो आई होप आपको समझ लग गया होगा, पॉइंट मेरा आपको मिल गया होगा जो मैं कहना चाहता हूँ। अब उसके बाद कलर्स भी अपने आपको छेड़ सकते हो, तो मुझे लगता है कलर ग्रेडिंग आपको छेड़ने की ज़रूरत है। अगर छेड़ना चाहते हो, कुछ और करना चाहते हो तो आपके ऊपर है, आप फ्री हो इसको करने के लिए, जो मर्जी करना। उसके बाद आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर कैसा हो गया, पहले कैसा था नॉर्मल सा फेडेड सा, अब कितना अच्छा सा हो गया। अब क्या करना है, आपको सिलेक्टिव वाले में आना है, अगर आपके पास प्रो वाला लाइट रूम है तो नीचे से आपको एक ग्रेडियंट मैप और ग्रेडियंट टूल जो भी होता है यार, ग्रेडियंट लीनियर ग्रेडियंट कहते हैं शायद, तो इसको लेकर आना है और इसको नीचे से मतलब कि थोड़ा सा स्ट्रेच करके अब जो एक्सपोजर है कम कर देना था कि आपको जो पैर है ना आपके पैरों के नीचे से हल्का सा शेडोज आ जाए, एक थोड़ा सा और हार्ड शेडो क्रिएट हो जाए बस और कुछ नहीं, और ऐसा आपको डन कर देना है। तो लो हमारा फोटो बनकर तैयार हो गया। आपको सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर देना है शेयर करके सेव टू डिवाइस, जो करना करो मजे लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय टाटा।